जमीन का वो है, इससे है, ये आजीवन है। अपने डालो कलेक्टर शामिल है और ये इसका मालिक जो है अजय बॉम्बे में रहता है, उसकी और कलेक्टर की डील हुई है। पूरी मशीनें बर्बाद कर दी, 20 लाख का नुकसान कर दिया और कोई भी नोटिस मुझे नहीं आई है। अगर इधर पे एक भी हाथ ए ए अभी साल डाल दे, चल चल पानी डाल ए साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ इस समय रीवा की बैजू धर्मशाला में। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, मैं इस बिल्डिंग के बारे में आपको बताऊं। 1941 में ये बिल्डिंग बनी थी। इसका सीधा सा अर्थ है 80 साल पुरानी बिल्डिंग ये बिल्डिंग थी। यहाँ पर उन लोगों को ठहराया जाता था जो प्रवासी हुआ करते थे, जिसको धर्मशाला बनाई जाती थी। उस ज़माने में होटल नहीं हुआ करते थे, जी हाँ, होटल नहीं होते थे, धर्मशाला होती थी। धर्मशाला में जो बाहर से आते थे उनके रहने खाने पीने सोने का इंतज़ाम होता था। वक्त बीता, धीरे धीरे धर्मशाला की जगह होटलें में ले ली और एक शानदार जो एक परिसर आप देख रहे हैं, इस परिसर में कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। अतिक्रमण कहा जाए या और भी कुछ कहा जाए, ये एक अलग विषय हो सकता है। फिलहाल शासन की नज़रों में ये अतिक्रमण था। यहाँ पर जिस तरीके से आप अपने टीवी स्क्रीन पर दृश्य देख पा रहे हैं, फर्नीचर का काम यहाँ पर हुआ करता था। प्रशासन का कहना है, हमने कई बार उनको नोटिस दी थी इसको हटाने के लिए, जब उन्होंने नहीं हटाया तो आज यहाँ पर पूरा अमला उसको हटाने आया। जब यहाँ पर पुलिस, नगर निगम, प्रशासन के लोग पहुँचे तो उस परिवार ने, जिसने यहाँ पर कब्जा कर रखा था, अपने शरीर में मिट्टी का तेल डाल लिया और आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया है और एक सुरक्षित जगह पर रखा है, सुरक्षा के मद्देनज़र। फिलहाल यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है। जो टीन शेड था, या यूं कहा जाए जो टेम्परेरी अतिक्रमण था, उसको प्रशासन ने हटा दिया है। अब आगे क्या होता है ये एक अलग विषय है। कहा जा रहा है, दूसरे पक्ष से मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में चल रहा था या नहीं चल रहा था, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। फिलहाल जो यहाँ पर दृश्य आप देख पा रहे हैं उसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा जिस तरीके से घटना हुई, और आपको ये भी बताऊँगा SDM रीवा फरहीन खान ने क्या कुछ हमको बताया। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ हमको बताया। बैजू धर्मशाला की लैंड पर उनके बाजू में एक किराएदार थे, बैजू उनके कनौजिया जी, उनके द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया था, जिसके लिए ये ऑर्डर था कोर्ट का कि उनका विधि द्वारा प्रक्रिया पालन करते हुए उनकी विदखी कार्रवाई कराई जाए। तो उनका हमने विदखी कार्रवाई कराई। इसके पहले भी यहाँ आकर उनको नोटिस दिया गया था कि अपना अतिक्रमण स्वयं बताएं, अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे। आज उनके द्वारा जब हम कार्रवाई करने आए तो उनके द्वारा अपने एवं अपने परिवार के ऊपर मिट्टी तेल डाल करके आत्महत्या का प्रयास किया गया, जिनको सुरक्षा की दृष्टि से भी थाने भिजवा दिया गया है और उनका इन्फोर्समेंट हटा दिया गया।